यूएस के एक आदमी ने अपने दोनों हाथ और पैर गवा दिए एक सिंगल फ्ली बाइट से। 35 साल के माइकल कोलहॉफ फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करने लगे, इंक्लूडिंग फीवर एंड अपसेट स्टमक। कुछ हफ्तों बाद माइकल की कंडीशन बिगड़ती गई। उन्हें लगा कि उन्हें फ्लू हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जैसे ही डेज प्रोग्रेस हुए, उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। कोलहॉफ को वेंटिलेटर में रखा गया, जहां उन्हें ट्रीट किया गया विद अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ हफ्तों बाद माइकल की टोस, फीट और पूरे हाथ को एम्पिटेट कराना पड़ा ड्यू टू ड्राई गैंग्रीन। इसकी वजह है कि इन्फेक्शन के कारण बॉडी में एक चेन रिएक्शन हुआ, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया। उसके बाद उन्होंने एम्पिटेशंस को पैचअप किया विद स्किन ग्राफ्ट, जिसको डॉक्टर्स स्टिल डेट मॉनिटर कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि गैंग्रीन स्प्रेड ना हो। माइकल के साथ जो हुआ, उस इन्फेक्शियस डिजीज को कहते हैं टाइफस। ये कॉज होता है बाय बैक्टीरिया और स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम फ्लीज, लाइस और चिगर्स। सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं फीवर, चिल्स और बॉडी एक्स। फ्ली बॉर्न टाइफस से नोजिया, कफ, स्टमक पेन और रैश हो सकता है विद इन 5 days ऑफ द इलनेस, अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। फ्लीज और लाइस ट्रांसमिट करते हैं ये बैक्टीरिया, जो एरिया में बाइट करने के बाद डेफिकेट करने से पैदा होता है। ऑल्दो टाइफस यूनाइटेड स्टेट्स में काफी रेयर है, लेकिन ये पाया गया सदर्न कैलिफोर्निया, हवाई और टेक्सस में, अकॉर्डिंग टू CDC, यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? खुद को और फैमिली को सेफ रखने का आसान तरीका है कि अपने पेट्स को फ्ली फ्री रखें। इसके साथ अगर आप सिक या डेड एनिमल्स को हैंडल करते हैं, तो हमेशा ग्लव्स पहने रखें। अपने बॉडी में इंसेक्ट रेपेलेंट्स जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल, DEET और पिकारिडिन का यूज करें। तो क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।